इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो कभी आपको लिंग खड़ा मिलता है और कभी कभी लिंग खड़ा नहीं मिलता है, तो इसके क्या कारण होते हैं, और देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वीर्य निकल जाता है सुधर टाइम में और आपको पता नहीं लगता है तो ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट कर सकूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सुबह के टाइम कभी कभी आपको लिंग में तनाव दिखता है और कभी कभी बिल्कुल फ्लैसिड दिखता है, कोई तनाव नहीं दिखता, ऐसा क्यों होता है, इसको जानने से पहले स्लीप का पैटर्न समझ लेना चाहिए। स्लीप के हमारे दो पैटर्न होते हैं, एक होता है NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक होती है REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ये NREM जो होता है ये होता है आपका लगभग 80 मिनट का, और ये आपका जो REM होता है जो इंपॉर्टेंट स्लीप होती है साइकिल होती है ये होती है 25 मिनट की। तो ये ऑल्टरनेट करते हैं, पहले NREM चलेगा फिर REM से साइकिल चलेगी। तो NREM में जो होता है आपकी आप सिर्फ सो रहे होते हैं, इसमें कोई सपने वगैरह नहीं आ रहे होते और आपकी जो आई होती है इतनी ज्यादा मूव नहीं कर रही होती है, और REM जो होती है इसमें आपको डीप स्लीप आती है और इसी में आपका नर्व से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं, पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन होता है और आपके पेनिस की ब्लड फ्लो बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है उस टाइम में। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर स्लीप क्यों कहा जाता है कि जरूरी है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। तो जब REM में जब स्टिमुलेशन होगा तो आपके ब्लड फ्लो बढ़ेगी और आपका पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस वाले पैटर्न में उठते हैं सुबह मॉर्निंग में तो आपको पेनिस खड़ा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप NREM में जो 80 मिनट की मैंने बताई उस वाले में उठेंगे तो आपको अपना पेनिस डाउन मिलेगा, तो उसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फेज में कौन से साइकिल में उठ रहे हैं मॉर्निंग में, तो कभी आपको लिंग में तनाव दिख भी सकता है और कभी नहीं दिखेगा। ये डिपेंड करता है आप कौन सी साइकिल में उठ रहे हैं, NREM में या REM में, या NREM 80 मिनट की और वो सिर्फ जो इरेक्शन वाली साइकिल REM है वो है केवल 25 मिनट की, तो अगर आप उसमें उठते हैं तो आपको मिलेगा। इसी तरीके से मैंने बताया REM में आपका स्टिमुलेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसी टाइम में आपको सपने आ रहे होते हैं, तो अगर ये सपने ज्यादा आ जाते हैं तो आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो जाता है, कोई ऐसा सपना याद हो तो आपको नाइटफॉल हो जाता है। अब ये नाइटफॉल अगर 4 बजे से पहले हो रहा है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा डीप स्लीप होती है, तो वो आपको सुबह उठ के याद नहीं रहता, आपको लगता है ऐसा कि पता नहीं क्या ऐसा निकल गया, मुझे तो पता भी नहीं चल पाता है कई बार। पर अगर ये 4 बजे के बाद वाले सपने होते हैं तो वो आपको याद रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि आपने ये सपना देखा था, इस कारण नाइटफॉल हुआ है। तो आई होप दोस्तों कि ये NREM और REM आपकी समझ में आ गई है, और कभी अगर तनाव ना भी देखे मॉर्निंग में तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, पर हाँ इसके लिए आपको कम से कम प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, सो दैट आपका टेस्टोस्टेरोन सर्ज जो मैंने बताया स्टिमुलेशन ये जो REM में होता है ये होना बहुत जरूरी है, सो दैट टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ सके। उसकी टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने के लिए जो आपका मेन सेक्स हार्मोन है उसके लिए प्रॉपर स्लीप जरूरी है। तो आई होप दोस्तों ये आपकी वीडियो समझ में आई होगी और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।